तो बढ़ते हैं आगे रायपुर से खबर आपको देते हैं। कांग्रेस बूथ कमेटी की समीक्षा बैठक आज रहने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ये बैठक और अंबिकापुर के राजीव भवन में ये बैठक होगी। जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद, विधायक शामिल होंगे। जिला प्रभारी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन की समीक्षा होगी। बैठक में प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव मौजूद रहेंगे। तो अंबिकापुर के राजीव भवन में यह बैठक होगी। जगजीत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जगजीत, आज जो ये बैठक होने जा रही है, क्या कुछ रहेगा इसमें? ममता, मैं आपको बता दूं कि देखिए, चुनावी वर्ष है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो दोनों राष्ट्रीय जो दल हैं उनमें जारी हो चुकी है। और मैं आपको सबसे पहले तो आज के जो कार्यक्रम है, जो कांग्रेस के कार्यक्रम है, बूथ कमेटी की जो समीक्षा की बैठक की अगर हम जो बात कर रहे हैं, वो बैठक है अंबिकापुर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होने जा रही है और अंबिकापुर के राजीव भवन में ये पूरी बैठक होगी। और जिले के ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष, सांसद और विधायक, जिला पदाधिकारी, इस तमाम लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बूथ सेक्टर जोन कमेटियों के गठन के को लेकर के भी समीक्षा जो बैठक में उसमें चर्चा होगी। और बैठक में खास तौर पे देखिए, प्रभारी जो सचिव है वो डॉक्टर चंदन यादव भी शामिल होंगे। लगातार जो देखिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और चंदन यादव जो इस बार आए हैं, जो प्रदेश प्रभारी है, वो लगातार 3 दिनों के लिए आए हैं, तो लगातार उनके कार्यक्रम है। आज जो पहला दिन है और अंबिकापुर में जो बूथ कमेटी की जो समीक्षा बैठक है वो वहां पास उसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से वो 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। जो ताजा हालात है, जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे चर्चा करेंगे, क्या कुछ किस प्रकार से, देखिए कम समय रह गया है चुनाव को लेकर के, उनमें क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे सरकार की योजनाओं का बखान करना है, कैसे केंद्र सरकार की जो नाकामी है उनको जनता तक पहुंचाए, इन तमाम बातों को लेकर के इस पूरे बैठक में चर्चा होगी। जी ममता, ठीक है, आप बने रहिए, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।